हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम पिछले कई सालों से लगातार हर दिन टीवी चैनल पर दिखाई जा रही है। फिल्म के आए दिन प्रसारण से कुछ दर्शक काफी बोर हो गए हैं। एक शख्स तो सूर्यवंशम के लगातार टीवी पर दिखाए जाने से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने टीवी चैनल को ही चिट्ठी तक लिख डाली। इस शख्स ने टीवी चैनल को चिट्ठी लिखकर कहा कि हम लोगों ने सूर्यवंशम की पूरी कहानी जान ली है, हीरा ठाकुर के बारे में भी सारी जानकारी मिल गई है, अब कब तक इस फिल्म का प्रसारण चैनल पर होता रहेगा। टीवी चैनल को लिखी गई ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। चिट्ठी में शख्स ने लिखा, आपके चैनल को सूर्यवंशम फीचर फिल्म के प्रसारण का ठेका प्राप्त हुआ है। आपकी कृपा से हम और हमारा परिवार हीरा ठाकुर और उनके परिवार को अच्छे से जान गया है। अब लोगों की सूर्यवंशम नामक फिल्म की एक्स्ट्रा इनिंग कंठस्थ हो चुकी है। इसके आगे एक शख्स ने अपनी चिट्ठी में लिखा, आपका चैनल कितनी बार इस फिल्म को दिखाएगा, भविष्य में कितनी बार और इस फिल्म का प्रसारण किया जाएगा, यदि हमारी मानसिक स्थिति पर इसका विपरीत असर आता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कृपया सूचना देने का कष्ट करें। बता दें कि सूर्यवंशम अमिताभ बच्चन की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। साल 1999 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें बिग बी ने हीरा ठाकुर का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में उनका डबल रोल भी देखने को मिला था। सिनेमाघरों के बाद ये फिल्म टीवी पर लगातार प्रसारित की जाती रही है। साल 2018 में आई फिल्म जीरो के बाद शाहरुख खान बहुत जल्द फिल्म पठान से वापसी करने के लिए तैयार है। फिल्म पठान में शाहरुख खान धुआंधार एक्शन अंदाज में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। इंडस्ट्री में रोमांस के किंग के नाम से मशहूर शाहरुख हमेशा से एक्शन हीरो बनना चाहते थे। इस बात का खुलासा खुद शाहरुख खान ने किया है। हाल ही में यशराज फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में किंग खान अपने 32 साल के फिल्मी सफर को लेकर बात करते हुए नजर आए। इस वीडियो में शाहरुख खान ने बताया कि करियर की शुरुआत में 32 साल पहले मैं इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो बनने की चाह लेकर आया था, लेकिन मैं बन नहीं पाया और एक रोमांटिक हीरो बन गया। हालांकि मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाए से प्यार करता हूँ, राहुल और राज जैसे उन तमाम अच्छे लड़कों को चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं एक्शन हीरो हूँ। ऐसे में पठान से मेरा एक्शन हीरो का सपना साकार होने जा रहा है। पठान के कैरेक्टर पर शाहरुख खान क्या बोले, चलिए वो भी आपको बताते हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में शाहरुख खान ने पठान फिल्म में अपने किरदार को लेकर खोलकर बात की। किंग खान ने बताया कि पठान में मेरा किरदार एक सीधा साधा लड़का है, लेकिन वो बहुत सारी कठिन चीजें करता है और वो थोड़ा शरारती भी है। वो काफी टफ है, हालांकि वो इसका कोई भी दिखावा नहीं करता। वो ईमानदार होने के साथ भरोसेमंद भी है। इतना ही नहीं, वो भारत को अपनी माँ के रूप में मानता है। मालूम हो कि 25 जनवरी को फिल्म पठान सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में शाहरुख के अलावा सुपरस्टार जॉन अब्राहम लीड रोल में मौजूद है, साथ ही दीपिका पादुकोण भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिनों मुंबई दौरे पर थे। तब एक्टर सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से एक अपील की थी जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक्टर की अपील का असर देखने को मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पठान फिल्म पर की गई बयानबाजी पर सख्त रुख अपनाया है। दरअसल सीएम योगी से एक्टर सुनील शेट्टी ने अपील करते हुए कहा था कि हिंदी फिल्म उद्योग के खिलाफ नफरत को मिटाने में मदद करें और सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के बहिष्कार के चलन से मुक्ति दिलाएं। उनका अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड पर लगे धब्बे को मिटाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप कराने में मदद करें। बता दें कि बीते दो दिन तक दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी का एक बयान सामने आया। पीएम मोदी ने फिल्म पठान पर की जा रही बयानबाजी को लेकर सख्त रुख दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि एक नेता है जो फिल्मों पर बयान देते रहते हैं, उनके बयान टीवी पर चलते रहते हैं, उन्हें लगता है वे नेता बन रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें फोन किया, लेकिन वे मानते नहीं। क्या जरूरत है हर फिल्म पर बयान देने की। पीएम मोदी के इस बयान को अब एक्टर सुनील शेट्टी की अपील से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों पठान फिल्म के एक गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बिकनी के रंग को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।